दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे लिए हैं, पिछले वर्ष से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि कोई भी क्लास आप सभी की मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताना है आप सभी को 20 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही सही अटेम्प्ट किए हैं, 20 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही गए हैं। ठीक है, एक तरीके का एक टेस्ट है, टेस्ट लगाकर देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हो। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल जो आती है गाइस यहाँ पर टेलीग्राम पर आप सभी को मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, या फिर सर्च कर सकते हो, सिंपल सी बात है, दस्तक अकेडमी। ठीक है, दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा, रेड कलर का लोगो मिलेगा, वहां से सिंपली आप सीधे टेलीग्राम पर पहुंच सकते हो, फ्री में पीडीएफ फाइल पा सकते हो। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना है, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहां है? भारत का पहला अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहां है दोस्तों? व्हीलर आइलैंड में, हासन में, श्रीहरिकोटा में, पोर्ट ब्लेयर में। फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में स्थित है, याद रखना कहाँ स्थित है दोस्तों। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है दोस्तों? श्रीहरिकोटा में, याद रखिए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या बनना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दोस्तों किसको हराया था, पूछा जा रहा है आप सभी से। सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को, शेरशाह सूरी को। सेकेंड क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई थी? दूसरी लड़ाई दोस्तों 1556 ईस्वी में। तीसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई थी पानीपत की? तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। ये सभी युद्ध आपसे लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था दोस्तों? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो ऑप्शन पढ़ सकते हो, विकल्प यहां पर दे रखे हैं, ऑप्शन पड़ेगा रॉल्फ फिंच, पेट्रा डेला वेला, या फिर एडवर्ड टेरी, या फिर विलियम हॉकिंस। दोस्तों सिक्स क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका? थर्ड क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला, विलियम हॉकिंस था, याद रखिएगा। कौन था दोस्तों? विलियम हॉकिंस था, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक, ठीक ना। कौन? जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जेम्स विलियम हॉकिंस था, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था दोस्तों? बताइएगा फटाफट। तो रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी। तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखिएगा, सी करेक्ट है। गयासुद्दीन तुगलक ने नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। करेक्ट आंसर है सी वाला। चलिए फिर ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनना है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? पर्वतीय वन, विषुवतीय वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन, या फिर उपोष्ण मिश्रित वन। तो पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका? फाइव क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, बी वाला करेक्ट है, विषुवतीय वर्षा वन है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है दोस्तों? विषुवतीय वर्षा वन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है दोस्तों? भारत की
एंटी टैंक मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है दोस्तों, भारत की एंटी टैंक मिसाइल, आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी। तो सिक्स क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका, सिक्स का राइट है ऑप्शन नंबर बी वाला, नाग है, याद रखिएगा। कौन सी है दोस्तों, भारत की एंटी टैंक मिसाइल, नाग है, ठीक है। चलिए, नाग एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण दोस्तों कब किया गया था, 1990 में किया गया था दोस्तों। इसकी मारक क्षमता दोस्तों कितनी है, मारक क्षमता दोस्तों यहाँ पर 500 मीटर से लगाकर 4000 किलोमीटर तक है, याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, सेवेंथ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम, आयरन, मीथेन, ओजोन, फास्फोरस। दोस्तों क्या होता है, सेवेंथ क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, ओजोन होता है, याद रखिएगा। क्या होता है दोस्तों, ओजोन होता है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर यहां पर क्या बनना है, एट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है दोस्तों, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है दोस्तों, पेसो, डॉलर, यूरो, येन। तो बताइएगा फटाफट यहां पर, फिलीपींस की दोस्तों मुद्रा सिंपल सी बात है पेसो है, याद रखिएगा। फिलीपींस की मुद्रा दोस्तों क्या है, पेसो है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों बात कर ले रहा हूँ यहाँ पर, जर्मनी की मुद्रा क्या है, जर्मनी की, जर्मनी की मुद्रा दोस्तों यहाँ पर यूरो है, याद रखिए, जर्मनी की मुद्रा यूरो है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जर्मनी का पूछ लिया जाता तो यूरो लगाते हैं। यहाँ पर बात कर ले रहे हैं यहाँ पर जापान की मुद्रा दोस्तों क्या है, येन जापान की मुद्रा है, और बात कर ले रहे हैं यहाँ पर डॉलर दोस्तों अमेरिका की मुद्रा, याद रखना है। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या बना है, एट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्यूस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ है दोस्तों, एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्यूस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ है, रूस, भारत, चीन, मंगोलिया। नाइन्थ क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका, नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ये मंगोलिया में स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखिए। चलिए टेंथ क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है, खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है दोस्तों, बताइएगा फटाफट, खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है, ESA, JAXA, इसरो, नासा। टेंथ क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, नासा से संबंधित है, याद रखिएगा। टेंथ क्वेश्चन का दोस्तों क्या करेक्ट है इसका, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला है, डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलेवेंथ क्वेश्चन देखिए ध्यान से। किस देश की समंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं, किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं दोस्तों, रूस, जापान, अमेरिका, इटली। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका जा रहा है अलेवेंथ क्वेश्चन का किसके साथ, डी के साथ, इटली देश की, याद रखिएगा, इटली देश की महिला बन गई, याद रखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है। पढ़िए दोस्तों ट्वेल्व क्वेश्चन क्या है, ट्वेल्व क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बारहवां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो जापान, चीन, रूस, जर्मनी, कहाँ लॉन्च किया गया बताइएगा। ट्वेल्व क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्वेल्व क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी वाला करेक्ट है, जर्मनी में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। कौन सा बेड़ा लॉन्च किया गया दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है बताइएगा, अटलांटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में, या फिर हिंद महासागर में। तो 13 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, अटलांटिक महासागर में। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। 13 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। तो डॉगर बैंक दोस्तों किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। ओके कंप्लीट हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर यहाँ पर क्या बना है, 14 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा।
सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है दोस्तों, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? 14 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो 14 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, भारत है, याद रखिएगा। अपना देश इंडिया सबसे अधिक मतदाताओं वाला दोस्तों देश है ये, याद रखिएगा, भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए। 14 क्वेश्चन का ए राइट है। 15 क्वेश्चन देखिएगा, रजत क्रांति का संबंध है दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, अंडा से, मछली से, दूध से। 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 15 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति, याद रखिएगा। पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित होती है? पीली क्रांति दोस्तों तिलहन से संबंधित होती है। और आपकी बात कर ले रहा हूँ यहाँ पर, दुग्ध उत्पादन से कौन से संबंधित है क्रांति? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। और यहाँ पर नीली क्रांति दोस्तों मछली से संबंधित होती है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित होती है। और गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा उत्पादन से संबंधित होती है। गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित होती है। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर एंड मांस से संबंधित होती है। कृष्ण क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित होती है। भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक से संबंधित होती है। और बात कर ले रहे हो, अमृत क्रांति दोस्तों नदी जोड़ परियोजनाओं से संबंधित होती है। नीली क्रांति दोस्तों अभी मैंने बता दिया है मत्स्य उत्पादन से। सुनहरी क्रांति दोस्तों यहाँ पर बागवानी से संबंधित होती है, बागवानी उत्पादन से। तो ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी लोग जरूर याद कर लिया करें या फिर नोट डाउन कर लिया करें। 16 क्वेश्चन देखिएगा, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है, किससे आकलन किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निविल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, अभी प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो 16 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, करेक्ट है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखिएगा। 17 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। तो 17 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी वाला करेक्ट है, याद रखिए दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद में है वर्णित है? तो दोस्तों ये 32, अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है। भारतीय संविधान का दोस्तों आत्मा और हृदय प्रस्तावना को कहा जाता है, आत्मा और हृदय प्रस्तावना को, और हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब आत्मा आगे आ जाए, आत्मा और हृदय जब बोला जाए तो किसे बोला जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को कहा जाता है, भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय प्रस्तावना को। और जब यहाँ पर हृदय और आत्मा बोला जाए तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे लोग जरूर याद कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है? 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन खालिस्तान से स्रावित होता है दोस्तों, इंसुलिन किससे स्रावित होता है, किस अंग से स्रावित होता है इंसुलिन पूछा जा रहा है। हृदय यानी कि लीवर जिसे बोलते हैं, तिल्ली, अग्नाशय, गुर्दे। तो 18वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, अग्नाशय से संबंधित होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन किससे संबंधित होता है? अग्नाशय से, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए यकृत से दोस्तों क्या स्रावित होता है? पित्त का स्राव किससे होता है दोस्तों? यकृत से। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पित्ताशय दोस्तों जमा कहां पर होता है? एक दोस्तों पित्त में जमा होता है पित्ताशय, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, बात कर ले रहे हैं जो लीवर होता है, यकृत जिसे बोलते हैं, यकृत जिसे इसमें लिखा है, ये यकृत, ठीक है, लीवर। तो यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सभी को पता है। इसका वजन कितना होता है दोस्तों? कितना वजन होता है? 1.5 केजी से 2 केजी का इसका वजन होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 1.5 केजी से 2 केजी का इसका वजन होता है। चलिए फिलहाल यहाँ पर इंसुलिन का स्राव पूछा गया था, अग्नाशय में होता है, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन देखिएगा, शर्करा में क्या पाया जाता है दोस्तों? शर्करा में क्या पाया जाता है? 19 क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। 19 क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा, शर्करा में। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला है, बी करेक्ट है, याद रखिए। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। शरीर में विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग उत्पन्न होता है शरीर में? सूखा रोग, स्कर्वी रोग, बेरीबेरी रोग या फिर रतौंधी रोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, याद रखिएगा, ये करेक्ट है। सूखा रोग से संबंधित होता है, विटामिन डी की कमी जब हो जाती है दोस्तों तो सूखा रोग हो जाता है, उसे याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला है। विटामिन बी वन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी रोग होता है, याद रखिए। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।